जब हम किसी कार्य को करने के बारे में सोचते हैं या हम कल्पना करते हैं तो उसके बाद यह सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर किस तरह से उस कल्पना को हकीकत का रूप दिया जाए। ठीक उसी प्रकार हमने इन 17 गोल्स के माध्यम से एक अच्छे भविष्य की कल्पना की। तो अब इस कल्पना को हम किस तरह हकीकत में बदलें, इसके लिए उन सभी चुनौतियों पर हमको विचार करना होगा। यही वह चुनौती है जो अन्य सभी 16 लक्ष्यों के बारे में हमारे प्रयासों को एकजुट करती है। इसके लिए हमको आवश्यक है धन, तकनीक, नवाचार और ऐसे तौर तरीकों को अपनाने की जिससे संसाधनों के कम इस्तेमाल और कम बर्बादी के साथ सतत विकास को किया जा सके। एक सफल सतत विकास एजेंडा के लिए सरकारों, निजी क्षेत्र और प्रबुद्ध समाज के बीच भागीदारी आवश्यक है। यह 17 महत्वाकांक्षी लक्ष्य और इसके निशाने पर मौजूद जटिल चुनौतियाँ ना तो क्षेत्रों के निश्चित दायरे में है और न ही राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर सिमटे होते हैं। जहाँ जलवायु परिवर्तन वैश्विक चुनौती है और उसका सामना करने के लिए कारोबार जगत भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है जितनी की सरकारें, वहीं विश्वविद्यालयों और वैज्ञानिकों के बिना नए आविष्कार और नई सोच नहीं पनप सकते और महाद्वीपों के बीच ज्ञान के आदान प्रदान के बिना तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन समानता के लिए जितना कानूनी प्रावधान जरूरी है उतना ही जरूरी समुदाय का सहयोग है। यदि हमारी महामारियां वैश्विक हैं तो उनके समाधान भी वैश्विक हैं। समावेशी भागीदारियां साझी सोच और साझे लक्ष्यों की बुनियाद पर खड़ी होती है जो लोगों और पृथ्वी को केंद्र में रखती हैं और वैश्विक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा स्थानीय स्तर पर जरूरी है। SDG के वैश्विक लक्ष्य में गरीबी खत्म करना, पर्यावरण की रक्षा, आर्थिक असमानता को कम करना और सभी के लिए शांति और न्याय सुनिश्चित करना शामिल है। सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करना और उसके इम्प्लीमेंटेशन के साधनों को मजबूत बनाना है। भारत के विकास संबंधी अनेक लक्ष्यों को सतत विकास लक्ष्यों में शामिल किया गया है। भारत में सतत विकास लक्ष्यों के इम्प्लीमेंटेशन पर निगरानी रखने तथा इसके साथ कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी नीति आयोग की है। नीति आयोग ने अन्य संगठनों के सहयोग से विशेष सतत विकास लक्ष्यों पर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर परामर्श श्रृंखलाएं आयोजित की हैं। सतत विकास लक्ष्यों को विकास नीतियों में शामिल करने के लिए अनेक मोर्चों पर कार्य हो रहे हैं। सरकार द्वारा अधिक बजट आवंटनों से बुनियादी सुविधाओं के विकास और गरीबी समाप्त करने से जुड़े कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत के संघीय ढांचे में सतत विकास लक्ष्यों की संपूर्ण सफलता में राज्यों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। राज्यों में विभिन्न राज्य स्तरीय विकास योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए खरबों डॉलर की निजी संसाधनों की आर्थिक ताकत जुटाने, पुनः निर्देशित करने और बंधन मुक्त करने हेतु तत्काल कार्रवाई करनी होगी। विशेषकर विकासशील देशों में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सहित दीर्घकालिक निवेशों की जरूरत। इनमें सस्टेनेबल ऊर्जा, बुनियादी सुविधाएं और परिवहन तथा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी शामिल है। भारत सरकार इस नई वैश्विक भागीदारी की एक महत्वपूर्ण अंग है और इस भागीदारी को क्षेत्र के भीतर और दुनिया के साथ नेटवर्क कायम करने के देश के प्रयासों से शक्ति मिली है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से 17 सतत विकास लक्ष्यों की ऐतिहासिक योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक अधिक संपन्न, अधिक समतावादी और अधिक संरक्षित विश्व की रचना करना है। 17वें लक्ष्य का उद्देश्य विकासशील देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन सहित घरेलू संसाधन जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करना जिससे टैक्स और अन्य रिवेन्यू संकलन के लिए देशों की क्षमता में सुधार हो सके। विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार की सुलभता, सतत विकास के लिए नीतिगत सामंजस्य बढ़ाना, सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी बढ़ाना, 2030 तक सतत विकास के बारे में प्रगति के ऐसे पैमाने विकसित करने हेतु मौजूदा प्रयासों को आगे बढ़ाना जो सकल घरेलू उत्पाद के पूरक हों और विकासशील देशों में स्टैटिकल क्षमता निर्माण को समर्थन देना। इन सभी लक्ष्यों में भागीदारियों के अनुभव एवं संसाधन जुटाने की रणनीतियों की बुनियाद पर असरदार सार्वजनिक तथा सार्वजनिक निजी और प्रबुद्ध समाज की भागीदारियों को प्रोत्साहन और बढ़ावा देना है।